हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आपको बता दें, दिल्ली में किसानों का महा आंदोलन आज शाम। हरियाणा से दिल्ली कूच करने वाले किसान दिल्ली कूच पर सरकार ने भी किसानों को रोकने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें, हरियाणा की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। प्रदेश में कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। किसान आंदोलन के चलते मेट्रो सेवा को भी प्रभावित हुई है, मेट्रो सेवा रद्द कर दिया गया है। 2 बजे तक कई रूट की मेट्रो सेवा बंद है। तो जो लोग मेट्रो से गुरुग्राम या फरीदाबाद से दिल्ली आते जाते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि अभी मेट्रो सेवा बंद रहेगी। 2 बजे तक कई रूट पर मेट्रो सेवा बंद रहेगी। दिल्ली से गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो सेवा को किसान आंदोलन के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में किसान पंजाब से हरियाणा होते हुए पंजाब हरियाणा के किसान मिलकर दिल्ली कूच करने को लेकर लगातार तैयारी कर रहे थे। न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई क्षेत्रों के, कई प्रदेशों के किसान जो है आज दिल्ली में हल्ला बोलना चाहते हैं और इसी को लेकर सभी अपने प्रदेशों से निकल चले हैं। हरियाणा की तरफ किसान आए हैं, लेकिन हरियाणा की सीमाओं को, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती और प्रशासन की तैयारी किसानों को रोकने के लिए की गई है। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सोनीपत से। लाजपत, अगर सोनीपत की बात करें तो वहां पर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी देखी जा सकती है किसान आंदोलन के मद्देनजर? अगर बात करें तो नंदनी, जो सोनीपत का प्रशासन कल तक तो मुकदई बना था, लेकिन आज बीती रात से बिल्कुल पैनी नजर है प्रशासन की। और बता दें कि जहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, वहां पर जो है उन्होंने अपना, किसानों ने एक पॉइंट चुना था कि यहाँ पर इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अब जो हम वहीं पर मौके पर रहे हैं और यहाँ पर जो है पुलिस ने अपनी छावनी डाल दी है और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सभी पर पैनी नजर है, किसी भी तरह के व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी शरारत करता दिखा तो तुरंत उसको हिरासत में ले लिया जाएगा। और एक ऐसी पॉइंट बनाया है कि जहां पर सभी को इकट्ठा बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बात करें तो नंदनी, आज जो सोनीपत की हालात टाइट हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ जो सोनीपत है NCR पड़ता है और नजदीक होने की वजह से किसान जो है पूरे हरियाणा के यहाँ से जाने के लिए, देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो कि हाईवे को बात करें तो 44 जो हाईवे है, इस पर प्रशासन की पूरी पैनी नजर है। प्रशासन यहाँ पर मुकदई है बिल्कुल, जो यहाँ पर टाइट होता हुआ नजर आया। यहाँ पर बता दें कि जो सोनीपत की जो सीमा थी, यहाँ पर किसानों को इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए कूच करना था, लेकिन लगता है कि अब सोनीपत का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं टाइट है। लेकिन गुप्त सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, किसान नेताओं से भी बातचीत हुई है, जनता के बीच उनका कहना जरूर लेके आएंगे और उन्होंने बताया है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली जरूर कूच करेंगे। जहां जैसे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहां इनको इकट्ठा होना था, वहां पर पुलिस की छावनी की वजह से अब वो गुप्त तरीके से, गुप्त रस्तों से जरूर दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारे से लगातार उनकी बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर हम दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि दिल्ली जो किसानों ने 3 अध्यादेश पर जो हंगामा छेड़ा था और आज 26 तारीख है, 26 तारीख के लिए चेतावनी दी थी। प्रशासन तो टाइट है सरकार की तरफ से, लेकिन शासन और प्रशासन को फिर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे यहाँ से जो देश का सबसे बड़ा हाईवे जिसको 44 से बोलते हैं और जो दिल्ली जाने के लिए जो हाईवे है, जीटी करनाल रोड की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जीटी करनाल रोड जो है, देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रास्ता हो जाता है पंजाब को दिल्ली से जोड़ने वाला। और पंजाब और हरियाणा के तमाम जो किसान हैं वो जाहिर तौर पर इसी रास्ते से दिल्ली कूच करने के लिए पहुंचे होंगे, तो जाहिर तौर पर वहां पर भारी संख्या में बल तैनात होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हाईवे है, ये जो रोड है, यहाँ से हर दिन इतनी संख्या में लोग अप डाउन करते हैं, तो ऐसे में किसानों को जो है वहां पर रोकना और आम लोगों के जो आवागमन है वो प्रभावित ना हो, ये मेंटेन कर पाना जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो देखिए दिल्ली से
पाकिस्तान तक जाने वाले जो रोड है मेरे यहाँ से गुजरता है, और जो पाकिस्तान तक से, जो दिल्ली से पाकिस्तान, दोनों रोड जो है काफी टाइट है और इस पर काम भी चल रहा है, और काम को लेकर पहले से ही रोड तंग है, और अब प्रशासन की तरफ से इस पर जगह जगह पॉइंट लगा दिए गए हैं, बैरिगेट लगा दिए गए हैं। इससे आम जनता प्रभावित तो जरूर हो रही है, क्योंकि अगर जिला सोनीपत की बात करें तो 70% जो दिल्ली से आवागमन है, और नंदनी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि कोरोना का काल है और दिल्ली कोरोना का बम है, और बम में अगर कोई व्यक्ति कूदता है, प्रशासन की तो तैयारी है, लेकिन किसानों ने साफ चेतावनी कहा है कि जो दिल्ली चाहे कोरोना का बम है, लेकिन हम अपनी बात को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि प्रशासन अड़े, प्रशासन बिल्कुल तैयारियां कर चुका और किसान भी अड़े हुए हैं कि हम तो जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लाजपत। हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर हिसार की बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या स्थिति देखी जा सकती है? नंदनी जी, जिला हिसार में धारा 144 लगा दी गई है और पूरी कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ खुद यहां के एसपी एएसपी देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई आवागमन बाधित ना हो या लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ हर रास्ता खुला हुआ है किसानों के जाने के लिए। हम देख सकते हैं कि कहीं कोई बैरिकेड्स नहीं है। ये NH 52 और सिरसा हाईवे है हिसार से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार के कोई बैरिकेड्स नहीं है, आवागमन बिल्कुल सामान्य है। जी नंदनी जी, बिल्कुल अनूप, लेकिन जाहिर तौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी सोनीपत से जो है लाजपत हमारे साथ जुड़े और हिसार से आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो हरियाणा के कई इलाके जो हैं वो पंजाब से कनेक्टेड हैं और कई जिले पंजाब बॉर्डर पर स्थित हैं, और पंजाब से भारी संख्या में किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए हरियाणा पहुंचे, तो हिसार में भी क्या इस तरह की जानकारी मिल पाई है? चूंकि हिसार में भी तमाम बड़े नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई किसान नेताओं की, और तमाम जो किसान हैं वो दिल्ली जाने को लेकर लगातार हल्ला बोल रहे हैं, तो अब क्या गुप्त आधार पर सूचना मिल पा रही है, किसान कहाँ हैं इस वक्त? नंदनी जी, अधिकतर किसान तो कल और सुबह सुबह निकल चुके हैं, और उन्हें हाईवे की बजाय जो लिंक रस्ते हैं दूसरे के गांव को जोड़ते हुए वहां से निकलना मुनासिब समझा। ट्रैक्टर ट्रैलियों से सुबह निकल चुके हैं, हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी किया, और जिला हिसार की बात करें तो जिला हिसार के जो रास्ते हैं वो तो खुले हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए जो पंजाब के खास करके किसान है उन्होंने अलग से रास्ते अपनाए, चाहे वो यमुना नगर साइड से हो, अम्बाला साइड से हो, तो हिसार को उन्होंने नहीं चुना है, और हिसार से जाने वाले किसानों को रोका भी नहीं जा रहा। कहीं हमने बैरिकेड नहीं देखे, वहाँ उकलाना से लेकर हिसार तक बरवाला पूरा एरिया हमने सुबह सुबह देखा है। इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो या इस तरीके से किसी को रोका जा रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप। हमारे साथ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से हमारे सहयोगी संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर? जी बिल्कुल नंदनी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है गुरुग्राम पुलिस और अलर्ट हो रही है। गुरुग्राम पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पे पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं, और सबसे बड़ी एक चुनौती जो प्रशासन के लिए है वो जाम को नियंत्रण करने की, क्योंकि पीक आवर्स शुरू हो गए हैं और आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो गाड़ियों को रोक के चेक किया जा रहा है, तो उसके बाद जो ट्रैफिक है वो बढ़ता नजर आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए जो जाम की चुनौती है वो काफी बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। लेकिन हम किसानों की बात करें, जिस तरीके से आज तमाम बॉर्डरों पर जो पुलिस तैनात है बैरिकेडिंग की गई है, तो ऐसे में पुलिस किसी भी हाल में जो किसान है उनको दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं गुरुग्राम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, और जो पुलिस के जो जवान हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि किस तरीके से आपको सारी जो स्थिति है उससे निपटना है, और जरूर जिग जैक वाली जो बैरिकेटिंग है वो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगाई गई, इसको पार करते हैं तो दिल्ली पुलिस है वो वहां मौजूद है, तो कहीं भी किसी भी हाल में यहाँ पर जो
यदि किसान पहुंचते हैं तो उनको किसी भी हाल में यहाँ से दिल्ली के लिए कूच नहीं करने दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण रहा है, जिस तरीके से एक आह्वान किया गया था किसानों के द्वारा कि किसी भी हाल में वो दिल्ली में एंटर करेंगे और अपने जो मांग है वो सरकार से मनवाने का काम करेंगे। वो बेशक हरियाणा के किसानों की मैं बात करूँ, पंजाब के किसानों की बात करूँ, तमाम किसानों ने हुंकार भरी है कि वो दिल्ली में हर हाल में कूच करेंगे। तो मैं एक बार जरूर, मैं जो पुलिस के अधिकारी हूँ उनसे, सर अभी अभी बिल्कुल यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने साफ तौर पर कि शांतिपूर्वक सारी चीजें चलेंगी, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी यहाँ नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के फोर्स यहाँ मौजूद है हर हाल में किसानों को रोक लिया जाएगा। क्योंकि मैं अन्य जिलों की बात करूं, आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं वो काफ़ी मुस्तैद हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से बड़े वाहन जो यहाँ से गुजरते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। लेकिन नंदनी, मैं एक बार फिर मैं जाम की बात करूंगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पीक आवर्स की शुरुआत होने वाली है और हो चुकी है। मैं कहूँगा कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो यहाँ थोड़ा सा रुकना स्टार्ट हो गया, लेकिन किस गुरुग्राम पुलिस या प्रशासन किस तरीके से इस चुनौती से निपटती है ये बड़ी एक देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन तमाम जो अधिकारी की बात करूँ या फिर प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं और जो स्थिति है उसको नियंत्रण करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि किसी भी हाल में जो स्थिति है वो ना बिगड़े। क्योंकि अक्सर हमने इस बॉर्डर पे देखा है जाम की स्थिति, और लेकिन जितने भी गाड़ियां हैं उनको उनको जरूर चेकिंग के दौरान ही उनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको निकलने दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बस है उसमें पुलिस के जवान मौजूद हैं, वो उसको चेक करें कि कभी इस बस के अंदर जो किसान तो मौजूद नहीं है। तो ऐसे में काफी मुस्तैदी के साथ चौकन्ने यहाँ गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो नजर आ रहे हैं। नंदनी जी बिल्कुल संजय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर पुलिस कितनी सजगता के साथ एक एक वाहन पर नजर बनाए हुई है, पैनी नजर कड़ी नजर के साथ जो है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जो है ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन संजय एक बात भी यहाँ पर कहनी होगी कि देखिए किसानों को रोकने के लिए सारे प्रबंध कर जरूर लिए गए हैं, एक तरफ दिल्ली पुलिस तैनात है दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस तैनात है। जहां जहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर तो किसानों को रोकने के लिए सारे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, लेकिन जो पंजाब किसान से जो पंजाब से किसान है जो हरियाणा पहुंच चुके हैं उनका हरियाणा की पुलिस क्या करेगी? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं गुरुग्राम दिल्ली बोर्ड की बात करूं, अभी तक कोई भी किसान यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि यदि किसानों का कोई जत्था या फिर कोई ग्रुप यहाँ आता है तो गुरुग्राम पुलिस या फिर जो अधिकारी हैं वो उनसे जरूर आग्रह करेंगे कि आप वापसी जाइए, अन्यथा क्योंकि तमाम वो प्रयास प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, जिस तरीके से सरकार ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया कि किसी भी किसान को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। यही कारण है कि तमाम बॉर्डरों पर जो पुलिस की जो बैरिकेटिंग है या फिर पुलिस फोर्स तैनात किया है उसका यही कारण है कि वो बेशक पंजाब के किसान हो या फिर हरियाणा के किसान हो उनको दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और यही कारण है जो इतना भारी पुलिस बल, नंदनी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे, क्योंकि उसका यही कारण कि जिस तरीके से सरकार ने भी एक कड़ा रुख अपनाया हुआ है कि किसी भी हाल में जो किसान है वो दिल्ली में नहीं पहुंचेंगे। यही कारण है जो आज गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पे आप देख सकते हैं इतनी तादाद में जो पुलिस के जवान मौजूद है। तो यही है जिस तरीके से अनुमान यही लगाया जा रहा था, जो बिल से किसान खफा है वो अपनी मांग मनवाना चाहते हैं कि सरकार से, और सरकार का यही है कि किसी भी हाल में जो किसान है उनको दिल्ली में एंटर नहीं मिलेगा हरियाणा के द्वारा, क्योंकि हरियाणा के तमाम वो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, वहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है कि किसी भी सूरत में जो किसान है वो दिल्ली में ना पहुंचे। और यही कारण है बेशक जिस तरीके से आपने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इस तरीके के कोई भी प्रयास या फिर उनको नहीं रोका जा रहा, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ये निर्णय लिया गया है। और यही है जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने ही ये बिल पास किया है और उसका जो किसान विरोध कर रहे हैं वो हरियाणा के किसान हो, राजस्थान के किसानों की बात कर लूँ या फिर पंजाब के किसानों की बात कर लूँ, और जहां बीजेपी की सरकार है उन तमाम बॉर्डरों को सील कर
कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी प्रकार किसान ना पहुंचे। जिस तरीके से कल के हालात आपने देखे थे, किसानों का जो जत्था था, जो झुंड था, उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी हंगामा किया, पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। तो यही है कि किसी भी प्रकार की आज के दिन इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो, यही कारण कि उससे पहले समय रहते जो प्रशासन हो या फिर हरियाणा के तमाम जिलों की बात कर लूं या फिर जो बॉर्डर है उनकी मैं बात कर लूं। जी बिल्कुल, भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। और बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष गर्ग जुड़ चुके हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्ष, अगर बात करें अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या ताजा तस्वीर इस वक्त देखी जा सकती है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर? नंदनी, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूंगी, देखिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है, जो आवागमन है पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कुछ देर पहले पंजाब सरकार द्वारा भी यातायात नियमों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हरियाणा की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर बिल्कुल सील है। और अभी डीएसपी गुला ने ताजा जानकारी दी है कि बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है, जो भी किसान पंजाब की तरफ से हरियाणा में आएगा उनको एंटर होने नहीं दिया जाएगा। और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉय की गई है, डीएसपी खुद मौजूद है, डीएसपी हेडक्वार्टर मौजूद है, वाटर कैनन, एम्बुलेंस, क्रेन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद की गई हैं। जी नंदनी जी बिल्कुल, किसानों को रोकने के लिए तो सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन क्या लगता है हर्ष आपको जो जानकारी मिल पा रही है, अगर पुलिस तैनात है तो क्या किसान रुक जाएंगे? क्योंकि हम किसानों को जब से सुन रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो हम तो जरूर आएंगे, हमको रोकने की कोशिश करेंगे हम तो भी आएंगे। तो अब जब किसान ऐसा कह रहे हैं तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे किसानों की गतिविधियां जो है वो शुरू होंगी? देखिए नंदनी, जहां हरियाणा सरकार और पुलिस एक तरफ दावा कर रही है कि किसानों को हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपने कल अंबाला का उदाहरण भी देखा, शाहबाद का उदाहरण भी देखा कि देखिए वहां फिर भी पुलिस और हरियाणा सरकार द्वारा चाक चुकबंद प्रबंध किए गए थे कि जो किसान है दिल्ली की तरफ कूच ना करे। देखिए सभी जो चाक चुकबंद प्रबंध थे उनको तोड़कर जो किसान है आगे बढ़े थे। अब यहां भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस है अपनी तरफ से पूरी तरह अपने जो सिस्टम है उसको कायम किया हुआ है। जी नंदनी जी बिल्कुल हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको हरियाणा से लगते हुए सभी बॉर्डर्स की स्थिति लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए कल उपद्रव मचा था, कल जब अंबाला समेत कई क्षेत्रों में बॉर्डर्स पर पंजाब हरियाणा के किसान पहुंचे आगे बढ़ने के लिए, तो पुलिस फोर्स भी तैनात था। और ये इस वक्त तस्वीरें आप उसी उपद्रव की देख रहे हैं जब किसानों ने हल्ला बोला, सीधे पुलिस प्रशासन के सामने भारी संख्या में किसान यहां आ गए और पूरी कोशिश किसानों द्वारा की गई, बैरिगेटिंग तोड़ी गई और आगे बढ़े किसान। पुलिस जो है किसानों को रोकने में कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन की भी मजबूरी है कि आप किसी भी तरीके से, चूंकि जिम्मेदार प्रशासन है तो आप किसानों को अग्रेसिवली नहीं रोक सकते हैं आप, लेकिन अब जो ऑर्डर्स दे दिए गए हैं वो यही ऑर्डर्स दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को रोका जाएगा, धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन किसान इन पाबंदियों को कितना मानते हैं या प्रशासन की कितना सुनते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बता दें हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 2,197 नए मरीजों की पुष्टि, आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2,197 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 661 और फरीदाबाद में 485 नए केसेस सामने आए हैं। हिसार में 147 और सोनीपत में 100 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रेवाड़ी में 93 और रोहतक में 92। प्रदेश में 24 घंटे में 42 मरीजों की हुई है मौत। देखिए 24 घंटे में जो मौत का आंकड़ा है वो कितना ज्यादा बड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ मौत कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। 42 लोगों की मौत हुई है प्रदेश में। अब तक ये आंकड़ा 25 के लगभग घूमता था, लेकिन 42 लोगों की मौत होना बेहद डराने वाली कहीं ना कहीं तस्वीर है।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।